पंकज के बारे में लोगों को पता था कि वो विधायक प्रतिनिधि है, पूजा सिंघल के बारे में पता था कि वो सचिव हैं, तो समझ में आता है। लेकिन प्रेम प्रकाश क्या संबंध था, क्या थे वो मुख्यमंत्री के साथ, अमित अग्रवाल का क्या संबंध था, क्या थे मुख्यमंत्री के साथ, और इन सारे लोगों की पूरा टेलीफोन डिटेल्स को निकाल करके किन किन अफसरों से किस प्रकार से दैनिक इन लोगों की बातचीत होती थी, क्या बात होती थी, क्यों बात करते थे, इन लोगों से क्या संबंध रहा है, किस प्रकार से, जब तक यहां तक की तहकीकात नहीं होगी तो हमें नहीं लगता है कि इस राज्य में न कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है, न इस राज्य में करप्शन समाप्त हो सकता है। कल जिसकी गिरफ्तारी हुई है अमित अग्रवाल, जो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री तो उनके बारे में बताने चाहिए कि भाई ये क्या थे, अफसरों की दरवाजा, अफसरों की दरबारी उनके घर पर लगता था, और ट्रांसफर पोस्टिंग की, पैसे वसूली का पूरा जिसको बोलते हैं, क्या उसको कहते हैं, मतलब वही सब काम करते थे। अगर इतनी अफसर उनसे लोग मिलते थे या उनसे लोग बात करते थे तो मुख्यमंत्री को तो बतानी चाहिए उसके बारे में कि उनसे क्या संबंध था, या सरकार में उनकी कौन सा ओहदा वो होल्ड करते थे। अभी ताजा घटनाक्रम तो आप सब लोगों के ध्यान में है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर के कहते रहे कि जो झारखंड में जो सरकार है भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है सरकार, और अगर हम ये कहें कि भाई हमने बार बार इस बात को उल्लेख भी करते रहा हो कि झारखंड में जो सरकार बिचौलिया या दलाल यही लोग चला रहे हैं, और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था भी इस प्रदेश में जो बिगड़ा है, तो हम उसके बारे में भी हम कहते रहे हैं, आप सबको ध्यान में है, खाली संस्मरण एक बार स्मरण करा रहे हैं कि सरकार लगता है कि भाई अपराधियों से घिरे हुए हैं या अपराधियों से डरे हुए हैं, तो डरे हुए तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के लोग खुद भी कहते हैं कि हिम्मत है तो हिम्मत है, लेकिन घिरे हुए हैं ये बिल्कुल अस्पष्ट है। और इस कारण से इस प्रदेश में एक जहां भ्रष्टाचार है वहीं कानून व्यवस्था भी लगातार जिसको कहते हैं कि डिटोरिएट की, भ्रष्टाचार की ये आलम है, यानी इस राज्य की जितनी भी खनिज संपदा है, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो या आयरन ओर हो, यानी जिस भी प्रकार की जो खनिज है, लीगल तो नहीं बल्कि इलीगल तरीके से खूब ये 30-32 महीनों तक की लूट मची हुई, और समय समय पर पार्टी ने सरकार को आगाह करते रही, और मैंने तो खुद सरकार को पत्र भी हम लिखते रहे हैं कि कहां किस प्रकार से गड़बड़ी हो रही, लेकिन यहां तो सरकार लगता ही नहीं है कि कोई हेमंत सोरेन की सरकार है, सरकार तो विशुद्ध रूप से कह सकते हैं दलाल और बिचौलिया लोग चला रहे हैं। और पिछले दिनों आप सबके संज्ञान में है किस प्रकार से ईडी ने जब यहाँ जांच की तो पहले तो उनके सचिव के ठिकानों से जो करोड़ों रुपया मिले आज वो जेल में,
फिर उनके विधायक प्रतिनिधि, वे जेल में है, तो ये बिल्कुल किसी से छुपा हुआ नहीं, ये तो उनके विधायक प्रतिनिधि या सचिव। लेकिन कल जिसकी गिरफ्तारी हुई है अमित अग्रवाल, जो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री तो उनके बारे में बताने चाहिए कि भाई ये क्या थे, जो जानकारी मिली है अफसरों की दरवाजा, अफसरों की दरबारी उनके घर पर लगता था और ट्रांसफर पोस्टिंग की, पैसे वसूली का पूरा, जिसको बोलते हैं क्या उसको कहते हैं, मतलब वही सब काम करते थे। अगर इतनी अफसर उनसे लोग मिलते थे या उनसे लोग बात करते थे तो मुख्यमंत्री को तो बतानी चाहिए उसके बारे में कि उनसे क्या संबंध था या सरकार में उनकी कौन सा ओहदा वो होल्ड करते थे, ताकि उनके, तब तो उनके अफसर घर पर या वो जहाँ उन्होंने डेरा ले रखे थे, या यहाँ तक जानकारी मिलती है कि कांके रोड में शायद सीएम आवास में भी वो ठहरते थे। भाई कोई ना कोई उनके साथ रिलेशन तो होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को ये तो बतानी चाहिए, राज्य की जनता ये जानना चाहेगी कि आखिर इतना बड़ा कोई व्यक्ति गड़बड़ घोटाला करे, सरकार को एक प्रकार से संचालित करे और उनके यहाँ बड़े बड़े अफसर जा करके दरबारी करे, तो इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों के साथ, यानी मुख्यमंत्री के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे होंगे। तो उनका क्या संबंध है ये तो मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए, और हम तो जरूर चाहेंगे कि ईडी को भी कि भाई उनके सारे मोबाइल के डिटेल्स निकालनी चाहिए कि उनसे कौन कौन अफसर, चाहे पुलिस हो चाहे आईएएस हो या आईपीएस अफसर हो, उनके साथ रेगुलर टच में थे, और फिर उन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर उनके साथ जो रेगुलर जो टच में थे उसके साथ उन सारे लोगों का क्या संबंध रहा होगा, तभी इस करप्शन पर, इस भ्रष्टाचार पर इस राज्य की जनता को मुक्ति मिल सकती है, और नहीं तो ये मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ अफसरों को टूल्स की तरह यूज किया गया और अफसर भी टूल्स की तरह यूज हुए, और सिर्फ वसूली में लोग लगे, और इसलिए आप देखते होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर इतनी बिगड़ी है कि आए दिन चोरी डकैती हत्या ये सब तो होता ही है, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, किस प्रकार से लोगों को जला दिए जाते हैं। और इसलिए हम तो कहेंगे कि भाई इस प्रदेश में इन सारे अफसरों के ऊपर एक जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जब तक इन लोगों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स होगी तो क्राइम ऐसे ही होते रहेगा, बढ़ते रहेगी। तो आज इस राज्य की यही हालत बन गई, और इसलिए हमने लगा कि, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पंकज के बारे में लोगों को पता था कि वो विधायक प्रतिनिधि है, पूजा सिंघल के बारे में पता था कि वो सचिव हैं, तो समझ में आता है। लेकिन प्रेम प्रकाश क्या संबंध था, क्या थे वो मुख्यमंत्री के साथ, अमित अग्रवाल का क्या संबंध था, क्या थे मुख्यमंत्री के साथ, और इन सारे लोगों की
पूरा टेलीफोन डिटेल्स को निकाल करके किन किन अफसरों से किस प्रकार से दैनिक इन लोगों की बातचीत होती थी, क्या बात होती थी, क्यों बात करते थे, इन लोगों से क्या संबंध रहा है, किस प्रकार से। जब तक यहां तक की तहकीकात नहीं होगी तो हमें नहीं लगता है कि इस राज्य में ना कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है, ना इस राज्य में करप्शन समाप्त हो सकता है। तो अगर ये दोनों को ठीक करना है तो फिर हेमंत सोरेन को यह स्पष्ट करनी चाहिए। और मैंने तो शुरू में भी कहा था, पहले भी ने कहा था कि आप तो जिस लोग बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, अति हो चुका भाई। राज्य के मुख्यमंत्री के पास थोड़ी सी भी नैतिकता तो खुल करके सामने आके बताना चाहिए कि भाई उनसे संबंध है तो वो बताना चाहिए, नहीं संबंध है तो बताना चाहिए, नहीं संबंध है। राज्य की जनता जानेगी, समझेगी। लेकिन राज्य को इस प्रकार से बिचौलिया और दलाल के हवाले कर देना, उसके लिए राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन को जनादेश नहीं दिया था। और इसलिए हम कहेंगे, अगर वो नहीं बता रहे कि भाई ऐसी सरकार को, ऐसे मुख्यमंत्री को या तो त्यागपत्र देनी चाहिए या फिर बर्खास्त कर देनी चाहिए। तो आज हमें लगा कि आप सबके समक्ष कोई बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं था, इसी को आपसे एक बार साझा करने के लिए मैं सिर्फ आज उपस्थित हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बोला कि बर्खास्त कर देना चाहिए, बर्खास्त कौन करेंगे सर? राज्यपाल, बर्खास्त राज्यपाल ही करेंगे, हम उन्हीं से अपील कर रहे हैं। राज्यपाल, हाँ तो और कौन करेगा भाई। अरे भैया, मैं कहाँ काम कर रहे हैं कि संबंध है तो जांच होगी, उसमें कौन रोका हुआ। सीएम के साथ एक भी फोटो दिखा दीजिए या फिर जेएमएम के कोई नेता के साथ। अरे भैया, फोटो क्या देखे, दो दो AK-47 उनके घर में पकड़ा, मिला कि नहीं मिला बताओ। और दोनों AK-47 किस सिपाही का था, जो सीएम हाउस में जिनको ड्यूटी पर लगाया गया था। और इसके बाद कौन जेएमएम वाले बोल रहे हैं, उनसे जाके पूछना इस बात को, क्या संबंध था। सिपाही वहाँ कांके रोड में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। और प्रेम प्रकाश का कहाँ घर था, कहाँ मिला था, हरमू में। कोई मत्ता। और पुलिस लाइन कहाँ है, कहाँ है पुलिस लाइन, सीएम हाउस के पीछे में। तो अगर रखना ही होगा उनको, वहां रख के जाएगा, यहां रख के कैसे गया था, किसको समझा रहे भाई। मुख्यमंत्री ला रहे हैं सर जनता के दरबार, उनका कहना है कि हम आपको, आपके द्वारा आएंगे, योजनाओं की जानकारी देने के लिए। खुशी से जाए, क्या दिक्कत है। अब तो होटवार की तरफ उसके लिए सड़क बढ़िया से तैयार हो रहा है वहां रूम। जेएमएम तो कह रही है कि जनता की समस्या के साथ साथ बीजेपी भी 99% फिनिश हो गए, 1% इस बार वाले में हो जाएंगे आप। अरे वो तो समय बताएगा ना, उसके लिए हम अभी नहीं कह रहे हैं। अभी तो ये लूटने के लिए तो उसको कोई, उसके लिए इजाजत तो नहीं दी जा सकती है ना। हेमंत तो चाहता ही है कि सब बीजेपी को समाप्त करो, इसके लिए तरह तरह के लोगों के ऊपर, आप देखें निशिकांत के बीबी बच्चे सब के ऊपर केस करवाए, तो कौन नहीं जानता है। सर, आपने राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है, लेकिन वो तो एक लिफाफा तक नहीं खोल पा रहे। अरे लिफाफा खोलने की क्या जरूरत है, लिफाफा जब खोलना होगा वो खोलेंगे, वो उनका विषय है। हमारा विषय है कि हमने कहा कि ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहना इस राज्य के लिए, जितने दिन रहेंगे
उतनी ही राज्य को इस सरकार से नुकसान होगी। अब तो क्लियर हो चुका है भाई, कहाँ कुछ छुपा, कहाँ कुछ अब छुपा है, सब कुछ तो सामने आ चुका है, दिख रहा है। बीजेपी ने आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्या? राज्य बना 2000 में, 2000 से लेकर के 5 साल छोड़ दीजिए, बाकी तो आदिवासी मुख्यमंत्री रहा है। आपके सामने खड़ा है, बैठा हुआ ये कौन है? अमित अग्रवाल की बात कौन? अब ये तो हम नहीं बता सकेंगे भाई, ये तो ईडी वाले बताएंगे। सर, आप और निष्कांत दुबे जी लगातार ट्वीट करके कह रहे हैं कि हेमंत जी जा रहे हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो रही है, चुनाव या अभी भी यही स्थिति है? देखो ये तो जाएगा ही, अब कब जाएगा ये इतना ये तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने दिन रह रहा है राज्य को उतने नुकसान हो रही है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in